ओके गाइस, तो आज मैं आपको लाया हूँ हाउ टू मेक योर रैंडम मीन्स कस्टम पॉइंटर, हाउ टू मेक अ कस्टम माउस पॉइंटर लाइक खान अकेडमी, ये हाँ ये वही ऐसा। इससे पहले बस थोड़ा आपको आर्ट सीखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ओके वो नहीं, मेरा सस्ता फॉर्टनेट इधर आ गया है। ओके तो उसके लिए हमें जब से पहले जाना पड़ेगा ऑनलाइन इस माउस एडिटर, हाँ आपको ये वाले साइट मतलब आप कोई भी साइट ले सकते हैं, बस आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप फिर आप एक ऐसे जगह आ जाओगे, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बनाता हूँ अपना, मैं चल लेती ये वाला। ओह नो, अब मैं लूंगा इधर। मैं कोई ड्राइंग ऐसे करना पड़ेगा गाइस। गाइस मेरा हॉबी हो चुका जैसे आप देख सकते हो इधर, तो मैं इधर जाऊंगा, ये आपको जो डाउनलोड दिख रहा है डाउनलोड, हाँ मतलब आप इधर कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने पहले से तो बनाया बहुत सारे बनाए मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं। मैं इसको देखता हूँ, माइनस मॉडल 20 21। ओके तो इसको डाउनलोड करूँगा। ओके गाइस मेरा बन चुका जैसे आप देख सकते हो इधर, हाँ देखो मेरा जहाँ माउस है ये कर्सर फोपन ये मेरा है, ये सब मेरे पुराने मॉडल्स है, तो सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ जैसे ये है। ओके तो ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि आपको इधर जाके सेटिंग्स में जाना होगा, एक आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं वैसे तो, सेटिंग्स आप इधर सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, फिर इधर जाके आपको सर्च करना होगा माउस सेटिंग्स, आपके आपको माउस सेटिंग्स मतलब सर्च करना होगा, फिर आपके पास इधर है वह मतलब मेरा पता नहीं कौन सा मॉडल है, मैंने विंडोज 10 इतना पता है। आपको इधर एडिशनल माउस सेटिंग्स दिखेगी, देखो इधर एडिशनल माउस सेटिंग्स, आपको उस पर क्लिक करना है और फिर नीचे एक टैब खुल जाएगा, एक ऐसे कुछ माउस ब्लिंक कर रहा होगा लगता, तो ये ब्लिंक कर रहा है वो, एक मिनट। तो इधर आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा माउस दिख रहा होगा, फिर एक फोल्डर दिख रहा होगा, फिर आप इधर पॉइंटर्स में जाइएगा, फिर हाँ देखो ये तो मेरा अपना कस्टम है ये सब, इसलिए आपने पहले देखा होगा कि मेरा बीच बीच में ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने ब्लैक वाला विंडोज़ का लिया था। ठीक है, तो आप इधर जाओगे, फिर आपको नॉर्मल सिलेक्ट में एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, मतलब इसे इधर डॉट आने चाहिए, इसे डॉट दिख रहे डॉट, हाँ गुड। तो फिर इधर आपको ब्राउज में जाना होगा, ब्राउज, फिर इधर आपको मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना मतलब लाइब्रेरीज का ओके जिस पीसी में जाना होगा, और देखो मेरा 1 GB फ्री है। ओके तो हमें डाउनलोड में जाना होगा क्योंकि हमने डाउनलोड किया है वो बहुत सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ मेरे ये मेरा क्रिएटिविटी है
तो इधर आपको मतलब आपने जो भी नाम सेव किया है तो वो आपको मतलब जो भी वहाँ मतलब जो भी वो क्या बोलते हैं आर्ट सेलेक्ट किया है वो आपको देना है। फिर आपको ऐसा पहले दिखाएगा, प्रीव्यू भी दिखाएगा आपको। ओके, और सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हैं शुरुआत में, हाँ मतलब यह ये तो मैंने चेंज किया है, मतलब कोई भी हो ना आपका, आई थिंक सो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड सिस्टम स्कीम ये जो है ना वो होगा। तो आपको करना क्या है, समझो, हाँ समझो ये स्टैंडर्ड स्कीम में ले लिया, तो आपको इधर सेव एज करके अपना नाम लिखना है, मतलब अपना नाम जो भी आपके वो माउस का जो भी मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं इधर ओके करता हूँ, ओके कर दिया। इधर आपको दिखाएगा कस्टम स्कीम नेम ब्ला 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 जो भी है, आपको यस करना है। देखो मेरा फेवरेट नेम सबसे आज तक का भाई याद माउस है, ये भी अच्छा है, छोटा है, अच्छा है। ऐसे आओ, अगर आपको खान अकेडमी जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ऐसा बनाना आता हो, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, अगर अच्छा लगा कोई भी है हो मतलब कोई भी क्वेश्चन हो क्या कैसे बनाना है तो कमेंट कर दीजिए, अगर मैं शायद से कमेंट ऑन हो तो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर मोर सॉफ्टवेयर जो भी हो इंफॉर्मेशन। ओके बाय। और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये परमानेंट नहीं है। मैंने जहाँ से मतलब स्टेप छोड़ा था, मतलब आप वही स्टेप पा सकते हैं माउस प्रॉपर्टीज, माउस एडिशनल सेटिंग स्टेप वाला, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज डिफॉल्ट मतलब कोई भी स्कीम आप यूज़ कर सकते हैं ना, ओरिजिनल भी ले सकते हैं, ओरिजिनल ये थोड़ी ना है स्टैंडर्ड का, ये रहा ये भी ले सकते हैं। ओके, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है।